हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है आपका एकाधिकार में आगम वक्र, रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जो रेवेन्यू कर्व है वो एकाधिकार में किस तरह से बनता है। और इससे पहले भी आप जो कर्व सीख चुके हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर मोनोपोली, रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली, इसके आप इसका आप ग्राफ सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक सारणी बनाई है जो इसमें कुल आय, औसत आय और सीमांत आय से संबंधित एक तालिका अनुसूची, उसे हम अनुसूची भी कह देते हैं। तो इसमें उत्पादन की इकाइयां और उसकी कीमत क्या है, कीमत रुपए में है, और कुल आय ये सब जो है रुपए में है, टी आर ए आर एम आर। प्यारे बच्चों, एकाधिकार से हमारा आशय बाजार की उस परिस्थिति से है जिसमें एक विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक का नियंत्रण रहता है। ये कहलाती है मोनोपोली, यानी किसी एक वस्तु पर उसका है एक ही किसी एक उत्पादक का नियंत्रण रहता है। एकाधिकार की स्थिति में फर्म का मांग वक्र अर्थात औसत आगम एआर वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये ग्राफ बनाया है ये, तो यहां पर जो है वो एआर जो ग्राफ है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, और उसका जो सीमांत आगम वक्र है एआर से भी नीचे हो की ओर होता है। यानी जो मार्जिनल जो रेवेन्यू का ग्राफ है वो एआर से भी नीचे की ओर होता है, यहां तक कि वो ऋणात्मक हो जाता है। यहां पर ये जीरो से नीचे चला जाता है तो ये माइनस में आ जाता है, इसे ऋणात्मक हो जाता है, मगर एआर जो है वो ऋणात्मक नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एआर वक्र नीचे क्यों गिरता है। जो एआर वक्र है जो है ये नीचे की ओर क्यों गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की अधिक इकाइयां तभी बेच सकती है जबकि वो अपनी कीमत कम करे, अगर कीमत कम करे तभी बेच सकती है। अब यहां पर जो तालिका है अगर हम इसको देखेंगे, तालिका को देखने पर जब कीमत 5 रुपए है तो वस्तु की इकाई एक इकाई बिकती है। यहां पर हम देखेंगे जब कीमत 5 रुपए है तो यहां पर वस्तु की एक इकाई बिकती है, परंतु यदि वस्तु की 5 इकाइयां बेचनी हैं तो उसे वस्तु की कीमत घटाकर 3 रुपए करनी होगी। अगर 5 इकाइयां बेचनी हैं तो उसे कीमत घटा करके 3 रुपए करनी होगी। अतः कीमत में कमी करने पर फर्म की औसत आय यानी कि एआर एवरेज रेवेन्यू गिरने लगती है, अर्थात एकाधिकारी की वस्तु की मांग तथा कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। औसत आय एवरेज रेवेन्यू तथा सीमांत आय ये वक्र तालिका जो बनाई गई है, ये एआर और टीआर एमआर रेवेन्यू की ये तालिका के जो
तारिका के अंग हैं, इनसे हमें इसे स्पष्ट है कि एकाधिकार की स्थिति में बिक्री में वृद्धि होने के साथ साथ औसत आय AR या कीमत P, यानी जो औसत आय है वही इसकी प्राइस है। तो प्राइस में प्राइस कम हो जाती है क्योंकि कुल आगम घटती दर पर बढ़ता है, इसीलिए बिक्री में वृद्धि होने के साथ साथ सीमांत आगम कम होता जाता है। जो सीमांत आगम है वो कम होता जाता है, 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये सीमांत आगम कम होता चला जाता है। एकाधिकार की स्थिति में जो MR तथा AR अलग अलग होते हैं, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो है वो अलग अलग होते हैं, और सीमांत आगम MR और औसत आय से कम होता है। औसत आय से जो सीमांत आगम है वो औसत आय से कम होता है। सीमांत आगम औसत आय से कम होता है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि MR AR से कम क्यों होता है, यानी कि यहां पर जो सीमांत आय है और जो औसत आय है, तो सीमांत आय जो है वो औसत आय से कम क्यों, यहां पर 4.5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3.5, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है। तो ये प्रश्न ये उठता है कि औसत आय से सीमांत आय जो है वो कम क्यों होता है। इसका उत्तर यह है कि कीमत में की जाने वाली प्रत्येक कमी केवल अतिरिक्त इकाई पर ही नहीं होती है, बल्कि पिछली सभी इकाइयां भी कम कीमत पर बेचनी पड़ती हैं। पिछली जो और इकाइयां हैं वो कम कीमत पर बेचनी पड़ती हैं। वास्तव में यही कारण है कि कीमत या AR यानी औसत आय या कीमत प्राइस के गिरने पर MR AR की अपेक्षा अधिक तेजी से गिरता है, यानी कि जो MR है जो मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय और औसत आय से बहुत तेजी से गिरता है। क्योंकि AR सदैव धनात्मक होता है, AR जो है हमेशा AR हमेशा धनात्मक होता है, जबकि MR जो मार्जिन रेवेन्यू यानी सीमांत जो आय है या आगम, वो MR सिद्धांत रूप से शून्य तथा ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी ये शून्य से लेकर के ऋणात्मक। जिस तरह से यहां पर ये जो सीमांत आय है वो ऋणात्मक नीचे की ओर चला गया है, तो ये निगेटिव भी हो गया, यानी कि जो मार्जिन रेवेन्यू है वो निगेटिव भी हो सकता है, मगर जो औसत आय है एवरेज रेवेन्यू जो है वो धनात्मक होता है। ये यहां पर ये ऋणात्मक। निगेटिव ये कहलाएगा पॉजिटिव और ये कहलाएगा निगेटिव। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।